कृषि विभाग के जिला कांगड़ा आत्मा एवं प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा के संयुक्त तत्वावधान में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। सांसद शांता कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए मेले का उद्घाटन किया। मेले में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरयाल भी मौजूद रहे। मेले में जिला भर से 500 के करीब किसानों ने भाग लिया। इस मेले में खास तौर पर जीरो बजट प्राकृतिक खेती उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था, साथ ही उनके लिए मार्केट की संभावनाएं भी तलाशी गई। मेले में जीरो बजट प्राकृतिक खेती उत्पादों में रुचि रखने वाले व्यवसायियों के साथ साथ एनजीओ के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था, जो कि ऑनलाइन भी इन उत्पादों को बाजार में उतारने के लिए प्रयासरत हैं। इस मौके पर सांसद शांता कुमार ने कहा कि पहले जो बातें पढ़ने को मिलती थी खेत तक पहुंच रही हैं, ये किसानों के लिए अच्छी बात है। आज किसान उत्पादन कर रहा है और किसानों के उत्पादों को मार्केट की जरूरत है, और आज तो उत्पाद यहां प्रदर्शित भी किए गए हैं, जो कि सराहनीय है। शांता कुमार ने प्रदर्शनी के आयोजकों को बधाई भी दी। वहीं शांता कुमार ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी बहुत बड़ी सफलता है। इंसानियत और पूरे विश्व शांति बहाल करने के लिए सबसे बड़ी बात पूरे विश्व ने प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर किए गए दबाव के चलते उन्होंने पायलट अभिनंदन को वापस भेजा है, और ये परिस्थितियां बहुत खतरनाक बन गई थी, और भगवान आतंकवाद को हवा देने वाले देश पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे, ताकि बिना कारण घरों में मातम ना हो, बिना कारण घरों में विधवाएं ना हो और यतीम बच्चे ना हो। वहीं शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पायलट प्रोजेक्ट बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा शांति का साथ दिया है। इससे पहले अटल जी ने भी बस में सफर करके पाकिस्तान से शांति की अपील की थी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही दोहरी चाल चलता आया है, और अब अगर फिर भी पाकिस्तान नहीं मानता है तो भारत पूरी तरह तैयार है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बढ़िया बात ये लग रही है कि यहाँ उत्पादन जैविक शून्य, ये सारी बातें जो बार बार अखबारों में पढ़ने को हमको मिलती हैं, वो अखबारों से निकलकर व्यवहार में किसान तक खेत पर पहुंचाने की जो कोशिश है वो सबसे महत्वपूर्ण कोशिश है। और दूसरा ये कि यहाँ का किसान उत्पादन करे, लेकिन फिर क्या करे, उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, तो मार्केटिंग के बारे में भी यहाँ इस बारे में सोचा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रदर्शनी को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और प्रदर्शनी में जिन भी लोगों ने भाग लिया है मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि आज प्रदर्शनी में उन्होंने अपने उत्पाद दिखाए, मैंने देखे, यहीं तक काम न रहें, इसको वो आगे बढ़ाएं और सचमुच इस क्षेत्र में ये सारे उत्पाद और आगे बढ़ते जाएँ, और हम धरती का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ, लोगों की आय बढ़े। और सरकार ने जो विचार किया है कि किसान जो उपेक्षित रहा है आज तक, उसके प्रति सबसे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश आवश्यक है, और सरकार वो कर रही है। मैं इस प्रदर्शनी के लिए आयोजन करने वालों को और भाग लेने वालों को सबको बहुत बधाई देता हूँ। सर, विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा किया है, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया गया, किस तरह से देखते हैं सारे? देखिए, ये बहुत बड़ी सफलता है भारत की, इंसानियत की, और पूरे विश्व में शांति बहाल करने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पूरा विश्व, मैं पूरी दुनिया को इस बात की बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इस विषय पर उन्होंने अपने देश के स्वार्थ को नहीं देखा, पूरे विश्व की शांति को देख करके जो उचित था वो किया, और पाकिस्तान विश्व जनमत के आगे विवश हो गया वो करने के लिए जो पूरे राष्ट्र को आवश्यक था। और अभिनंदन वापस आए हैं, ये तो प्रसन्नता की बात ही है, लेकिन अभिनंदन के वापस आने के लिए जो परिस्थितियां बनी, और उन परिस्थितियों को बनाने के लिए पूरा विश्व उसके लिए उसको श्रेय जाता है, वो परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबको, विशेषकर आतंकवाद को हवा देने वाले देशों को, पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे, ताकि बिना कारण घरों में मातम ना हो,
बिना कारण घरों में विधवाएं ना हो, बिना कारण घरों में छोटे छोटे बच्चे यतीम ना हो, ये सद्भावना, ये आश्वासन, ये आशा मैं चाहता हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस देश की इन सारी परिस्थितियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान दिवस के अवसर पर एक बात कही कि अभी पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, अभी बहुत कुछ इस दिशा में किया जाना है। भगवान करे पायलट प्रोजेक्ट के बाद और कुछ करने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने यही कहा है कि अगर मजबूरी होगी तो हमको करना पड़ेगा। वो किसी ने कहा ना कि होप फॉर बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो प्रधानमंत्री जी के कहने का मतलब यह है कि हमने हमेशा शांति का हाथ बढ़ाया है। हम तो पाकिस्तान में गए हैं, अटल जी बस में बैठ कर गए थे, नरेंद्र मोदी जी गए थे, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया। तो उसका मतलब यही है कि अगर मजबूर फिर दोबारा करेंगे तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब वो दोबारा नौबत ना आए। एस टुडे के लिए पालमपुर से निप्पी की रिपोर्ट।